इस वक्त जनाब हम खड़े हैं फिज़ा घाट पार्क, ठीक रोड के ऊपर हैं, और ये रोड के साथ ही फिज़ा घाट पार्क है। अभी अंदर जाते हैं हम, मैं क्या ये थोड़ा सा बाहर से आपको होटल वगैरह दिखा दूँ। अलमास होटल फिज़ा घाट में बहुत बड़े होटल बने हैं, लग्जरी भी हैं और दूसरे भी। ये है बुरजाल स्मार्ट होटल, गाड़ी जनाब पार्क में इंटर हो तो ये एक तो नहर बिल्कुल इसके फ्रंट पे बह रही है, नहर के ऊपर इसने बिल्डिंग बना ली है, ठीक है। ये इसका फ्रंट है, हाँ जी। फिज़ा घाट पार्क दरियाए सवात के बिल्कुल किनारे पे वाक़ है। आज से जब 20-22 साल पहले हम आए थे तो ये जस्ट एक प्लेन एरिया बना हुआ था, पार सा छोटा सा। अब क्योंकि 20 साल बाद इन्होंने बहुत ही लग्जरी टाइप का जनाब बना दिया है। और जी जब दरिया के पास जाते हैं इस पार्क की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है ना जी, इस दरिया के साथ है। ये चूँकि महीना है किसका, जून का, जून का तकरीबन आज का कौन सी डेट है जी, 9-10 जा रही है, तो 7 डेट जा रही है। और इन दिनों ना बर्फ़ पिघलने का जो सिलसिला होता है ना, ये वो बिल्कुल अरूज पे होता है, सो इसलिए इसका पानी थोड़ा सा डर्टी है, ठीक भाई। वरना जून जुलाई का जब टाइम गुजर जाता है ना, ऐसे मई में ये बिल्कुल साफ होता है। वो सामने अगर नज़र आ रहे हैं ना जनाब, तो वो घुड़सवार आ रहे हैं पानी के अंदर, और ये इन्होंने कश्तियाँ भी रखी हैं। पहले ये स्पोर्ट नहीं थी, अब इन्होंने ये स्पोर्ट भी लगा दिया है। बच्चे वगैरह आते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो कहीं नीचे गिर ना जाएं। इधर बैठ के आप चाय भी पी सकते हैं और जनाब इसकी सैर भी कर सकते हैं। बट सो डेंजरस, क्योंकि लाइव जैकेट नहीं है यहाँ पे। इसके साथ साथ इन्होंने ये सारा भी जनाब मेंटेन किया हुआ है। Thank you.
सिद्धागढ़ पार्क, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। तो यहाँ की जो ख़ास जगह हैं उसमें यह है कि होटल ज़रा लग्जरी टाइप के भी और दूसरे भी आपको मिल जाएंगे। रिहायश का कोई इशू नहीं है, खाने पीने का कोई इशू नहीं है, सिग्नल वगैरह सब के आते हैं। और ये है कलाम रोड, जो कि पुराना रोड है ना, उस पर पुराने रोड से मेरी मतलब ये होती है कि एक बाईपास भी बन गया इसका। ये बीच में इन्होंने जहाज नस्ब किया हुआ है। हम जनाब दरिया के किनारे पे घूम रहे हैं। अच्छा, ये ना सोचना कि बस एक साया ढूंढ लिया है तो उधर घूम रहे हैं। दरिया की ठंडी ठंडी हवा इधर आ रही है और सफ़र करके थोड़े से थके हुए थे, क्योंकि अभी हम वाइट पैलेस को कैप्चर करके आए हैं। तो हम इधर फिज़ागढ़ में थोड़ा सा सस्ताने के लिए आए हैं, अभी हम सस्ता रहे हैं। आपको बिल्कुल दरिया के पास लेके जाते हैं, ठीक है। सो हम फाइनली दरिया के पास आ गए हैं। तू ही खालिक है सबका, तू ही मालिक है सबका, या रब तू ही खालिक है सबका, तू ही मालिक है सबका, तेरा शुक्र मैं जितना भी अदा करूं कम है या रब, तेरा शुक्र मैं जितना भी अदा करूं कम काबिल नहीं था जो तूने अता किया है। तू ही मालिक है सब
सबका, तू ही खालिक है सबका, तू ही मालिक है सबका या रब, तू ही खालिक है सबका, तू ही मालिक है सबका या रब, तू ही खालिक है सबका, तू ही मालिक है सबका या रब, तेरा शुक्र मैं जितना भी अदा करूं कम है या रब, तेरा शुक्र मैं जितना भी अदा करूं कम